पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी आंखें बंद करके भी देख सकता है? ए ऊंट, बी हाथी, सी भालू, डी खरगोश। सही आंसर है ए ऊंट। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सूरज आधी रात को भी चमकता है? ए नॉर्वे, बी जापान, सी स्विट्जरलैंड, डी फ्रांस। सही आंसर है ए नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, बिना सिर के कौन सा जीव एक सप्ताह तक जीवित रह सकता है? ए कॉकरोच, बी छिपकली, सी चींटी, डी जुगनू। सही आंसर है ए कॉकरोच। अगला क्वेश्चन है, किस जीव का धड़कन एक मिनट में 1000 बार धड़कता है? ए कॉकरोच, बी छिपकली, सी चींटी, डी जुगनू। सही आंसर है बी छिपकली। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ए कुषाण काल में, बी मौर्य काल में, सी गुप्त काल में, डी हिंद यौन काल में। सही आंसर है सी गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ, डी जेम्स प्रिंसेप। सही आंसर है डी जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी? ए ब्राह्मी, बी नंदनागरी, सी शारदा, डी खरोष्ठी। सही आंसर है डी खरोष्ठी। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। सही आंसर है डी सिंध। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा? ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, बी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, सी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, डी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। सही आंसर है ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के समान है? ए 1/5, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। सही आंसर है सी 1/6। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, बी कुंडली के घर्षण के कारण, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। सही आंसर है सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स फैलता है ए हाथ मिलाने से, बी सांस संपर्क से, सी कीटों से, डी शारीरिक संपर्क से। सही आंसर है डी शारीरिक संपर्क से। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है? ए क्षय रोग, बी अतसक, सी कैंसर, डी एड्स। सही आंसर है डी एड्स। अगला क्वेश्चन है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? ए वृक्ष, बी घास, सी झाड़, डी पेड़। सही आंसर है बी घास। अगला क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ए आंवला, बी आम, सी नीम, डी तुलसी। सही आंसर है डी तुलसी। तुलसी को हम लोग शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? ए लाइकोपीन की उपस्थिति, बी कैप्सिसिन की उपस्थिति,
सी कैरोटीन की उपस्थिति, डी एंथोसाइनिन की उपस्थिति। सही आंसर है बी कैप्सिसिन की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है? ए मैलिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी टर्टरिक अम्ल, डी साइट्रिक अम्ल। सही आंसर है सी टर्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ए फॉर्मिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। सही आंसर है सी ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि निम्नलिखित के क्रिस्टल न बन सके। ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी कैल्शियम ऑक्सलेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम सल्फेट। सही आंसर है बी कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा इसके कारण होती है? ए SO2 और NO2, बी NO2 और O2, सी CO और CO2, डी SO2 और O2। सही आंसर है ए SO2 और NO2। अगला क्वेश्चन है, मार्बल कैंसर क्या है? ए खानों में काम करने के कारण मानव में होने वाला कैंसर, बी अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण, सी मार्बल के खानों के कारण पशुओं में रोग, डी मार्बल की खानों के कारण मृदा अपरदन। सही आंसर है बी अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए बी आर अम्बेडकर ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी महात्मा गांधी ने, डी इनमें से किसी ने भी नहीं। सही आंसर है सी महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? ए पीसी राय, बी जेसी बोस, सी सीवी रमन, डी महात्मा गांधी। सही आंसर है डी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी महात्मा गांधी ने। सही आंसर है डी महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प ब्रैकेट पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ए 1907, बी 1922, सी 1931, डी 1940। सही आंसर है डी 1940। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ए अरविंद घोष, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी भगत सिंह। सही आंसर है बी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है? ए बी आर अम्बेडकर, बी चित्तरंजन दास, सी विपिन चंद्रपाल, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। सही आंसर है बी चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी लाहौर, डी मद्रास। सही आंसर है सी लाहौर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? ए डांडी, बी चंपारण, सी खेरा, डी अहमदाबाद। सही आंसर है बी चंपारण। तो दोस्तों, इस तरह के और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। आप जितना हमें उत्साहित करेंगे, जितना हमें आप मोटिवेट करेंगे, हमारा ऊर्जा उतना ही बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से काम करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।